अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर हम यूथ की बात करें, इंक्लूडिंग मी, तो इस टाइम हमारा ज़्यादातर जो टाइम है वो सोशल मीडिया पर स्पेंड हो रहा है। यानी हम सोशल मीडिया पे दो काम करें, फर्स्ट इज़ स्क्रॉलिंग एंड द सेकेंड इज़ सेंडिंग। देखिए, अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आप में जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी आपने अकाउंट्स को फॉलो कर रखा है, वो अगर आपके रिलेटेड इस्लामिक चैनल्स पर एंड उनकी वीडियो का कंटेंट बहुत अच्छा, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो अल्लाह ताला ने इसका रिवॉर्ड देना है आपने कि आपने उन्हें सुना। बट आपने उन्हें सुना यानी कि आपने उसे कैच किया, वो आपकी नॉलेज में आया। हमने कोई ऐसी पोस्ट देखी जिसमें पर्दे का हुक्म था, यानी हमने उसे देखा तो हमें पता चल गया कि अल्लाह ताला ने इस आया में बताया कि पर्दा करना है, ठीक है। बट हमने अमल नहीं किया, हमने फिर भी पर्दा नहीं किया। तो याद रखे, अल्लाह ताला ने आखरत में आपसे इस बात का सवाल करना है कि तुम्हें मालूम था कि मैंने पर्दे का हुक्म दिया लेकिन तुमने नहीं किया, तो फिर आपका वहाँ क्या बनेगा। इसलिए आपने जो कुछ भी देखना है आपने उस पर अमल करना। अल्लाह ताला एक्शन पर फोकस करने के लिए कह रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप इस्लामिक वीडियोस देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ आपने देखी, आपने उसे शेयर किया। अल्लाह ताला ने आपको इसका रिवॉर्ड देना है। बट आपसे सवाल भी तो करना है कि आपको मालूम था ना कि ये चीज़ मैंने कही है, मैंने बताई है तुम्हें, और तुम्हें पता भी था, फिर भी तुमने अमल नहीं किया। तो जो भी आप देखें, द फर्स्ट थिंग आपने अमल करना है। ऐसा तो नहीं है कि हमें बुखारी शरीफ पूरी रटी हुई है, कुरान हिफ्ज है, हमें उसके मायने भी पता, लेकिन हमने उस पर अमल नहीं किया। तो उस इल्म का क्या फ़ायदा जो हमारे एक्शन में नहीं।